रुक रुक के ना देख, 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 रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए हमेशा संकट बना रहा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अब इसमें बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। पहले जहां इस कानून की वजह से घर खरीदारों के हितों की सुनवाई नहीं हो रही थी, वहीं अब भी इसमें ग्राहकों को दिए गए अधिकारों की वजह से खामियां मौजूद हैं। लेकिन अब इन खामियों को दूर करने की तैयारी कर ली गई है। इस कानून में होने वाले प्रस्तावित बदलाव के तहत अब केवल किसी एक अकेले घर खरीदार के एनसीएलटी में जाने से पूरा प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में नहीं धकेला जाएगा। अब किसी प्रोजेक्ट के कम 100 घर खरीदारों के एक साथ एनसीएलटी जाने पर ही बिल्डर को एनसीएलटी में घसीटा जा सकेगा। इसके साथ ही अगर एनसीएलटी जाने वाले खरीदारों की रकम बिल्डर के कुल कर्ज के 5% के बराबर हो तो भी वो एनसीएलटी जा सकते हैं। मौजूदा नियमों के तहत एक अकेला होम बायर भी 1,00,000 से ज्यादा के बकाया पर एनसीएलटी जा सकता है। इस नियम की वजह से देश भर के करीब करीब सभी बड़े डेवलपर्स के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर इंसॉल्वेंसी में जाने का खतरा मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में डेवलपर्स ने मिलकर इस नियम के खिलाफ गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से ग्राहकों के हक में फैसला आने के बाद एक महीने में 20 बड़े डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स इस कानून की भेंट चढ़ गए। इस वजह से एक अकेले ग्राहक ने पूरे प्रोजेक्ट को दिवालिया प्रक्रिया में धकेल दिया। IDC एक बहुत कंप्लीट कोड है और इस कोड में काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स दिया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक स्ट्रे इंसिडेंट या एक कोई इंसिडेंट की वजह से इस कोड को क्वेश्चन मार्क करें। मेरे ख्याल से वो गलत है और PMC जैसे इंसिडेंट्स इंपॉर्टेंट है कि कंसिडर करना, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप IBC जैसे इतने कम्प्लीट कोड को क्वेश्चन मार्क करें। और यस, स्मॉल इन्वेस्टर्स का मनी ज़रूर सेफ रहना चाहिए और उनको एक रिकॉर्ड्स मिलना चाहिए, बट एंटायर कोड को क्वेश्चन मार्क करना इज नॉट द राइट थिंग। उधर PMC बैंक के मुद्दे पर भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका बचाव किया है। उन्होंने कहा कि किसी एक केस की वजह से पूरे कानून को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है। If ED attaches somebody's property and as a result of which some uncertainty comes into the IBC process, it's nothing first of all to say on the IBC itself. If that individual has also something to do with money laundering related issue, the issue here would be whether is it the individual's property or the company's property, and as a result of it, the attachment being done whatever way done by the ED. Insolvency and Bankruptcy Code के तहत सरकार का इरादा छोटे निवेशकों की रकम की हिफाजत करना है। ऐसे में PMC बैंक जैसे मुद्दों को सुलझाना बेहद जरूरी है। वहां पर हजारों निवेशकों की गाढ़ी कमाई फंस गई है।